नमस्कार दोस्तों, ए न्यू थिंक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो है स्कीम आ चुकी है, और इससे पहले स्कीम आई थी उसमें जो आपके एग्ज़ाम होने थे वो 2 तारीख से होने थे। अब जो नई स्कीम आई है उसमें आपके एग्ज़ाम 8 तारीख से होंगे। दोस्तों, एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये बैक वालों का है, और फर्स्ट ईयर वाले मुझसे सवाल पूछते हैं कि इनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो स्कीम में ऐसा कुछ अपडेट नहीं हुआ है कि आपके कोड इसमें मिल जाएं। तो सिंपल तरीका चेक करने का यही है कि आप स्कीम में चेक कर लीजिए, अगर आपके कोड हैं तो आपका एग्ज़ाम है, और आपके कोड नहीं मिलते हैं तो आपके एग्ज़ाम नहीं है। तो अभी तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के ही एग्ज़ाम होने हैं मेरे हिसाब से। तो आप कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। कोई ऐसा नोटिस आता है CCS की वेबसाइट पे, या कोई मुझे जानकारी मिलती है कहीं से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। और सेकेंड ईयर वालों को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे और फाइनल ईयर के होंगे। साथ ही मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आपको प्रमोट एक ही बार किया जा सकता है, दूसरी बार प्रमोट नहीं किया जा सकता, दूसरी बार आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। ओके दोस्तों, ये भी जिसे जिसे कन्फ्यूजन है उन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको एक ही बार प्रमोट किया जा रहा है, बार बार प्रमोट नहीं किया जाएगा। ओके तो जैसे कि इससे पहले प्रमोट किया गया था तो उनके एग्ज़ाम अब सेकेंड ईयर में जो आ गए हैं तो उनके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। अब जो इस साल जो प्रमोट कर दिए गए हैं उनके एग्ज़ाम अब अगली बार होंगे। तो दोस्तों, यही जानकारी मैं आपको दे रहा था। ओके तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।